वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज मैं आपके लिए बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं डेली या फिर दो दो दिन के बाद एक वीडियो आएगी, जिसका नाम मैंने रखा है बेसिक मैथ बाय विकास लखेरा। ये जो वीडियोज है ये बड़ी छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की होंगी, बट इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी, ठीक है, अबाउट योर फॉर्मूला, जो भी मैं टॉपिक लूंगा, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूं तो जैसे कि मैंने पहले में ट्रिक ली थी, इसके अंदर क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बड़ी तेज करवाऊंगा, ठीक है, कैलकुलेशन को लेकर भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात स्टूडेंट ये होगी कि इसके अंदर हम इसमें क्या क्या करवा रहा हूं मैं, जैसे रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का, जैसे मेथड से भी, ट्रिक के साथ भी, सारे रूल्स इसके अंदर अच्छे से कराऊंगा। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, एक सेकेंड, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लेके बजरंग बली वाला क्लास स्टार्ट करते हैं। सुनना आज की आइडेंटिटीज, ये इंपॉर्टेंट काफी है, काफी एग्जाम में सीधे सीधे आइडेंटिटीज से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और ये छठी से लेकर सिक्स क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो इसको एंड तक बने रहना, ठीक है। और एक चीज, दूसरी चीज, आज मैं इनको लर्न कराना सिखाऊंगा कैसे आइडेंटिटीज याद करते हैं। कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद करने में, माइनस किस साइड आएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो भैया। पहली आइडेंटिटी मेरे पास होती है ए, अगर मैं कैपिटल में बात करता हूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहां पर ए बी की जगह एक्स वाई भी आ सकता है। ये आइडेंटिटीज वहां लगेंगी जहां पर दो वेरिएबल्स आएंगे, क्या होंगे, दो वेरिएबल आएंगे। वीडियो छोटी होगी बट फास्ट होगी थोड़ी सी, ठीक है। अब सेकंड आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटी सभी को लर्न होगी ये वाली। अब दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट है, लिख लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब बोलोगे भैया ये तो हम पीडीएफ वगैरह से कहीं से भी देख सकते थे, बुक से भी, तो इसमें क्या डिफरेंसेस है। अब सुनना, इस वीडियो को बनाने का मोटिव और क्या कहते हैं पर्पस क्या था, सुनो भाई। ये है प्रॉब्लम भाई, इसमें माइनस की दिक्कत, आप प्लस वाले आइडेंटिटी याद कर लो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसको याद कैसे करेंगे, सुनना स्टूडेंट, मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसको ना ए प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, ये प्लस की तो है, मैंने इसको प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यही वाली आइडेंटिटी है। अब मुझे प्लस वाली आइडेंटिटी पता है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस, यही वाली आइडेंटिटी है, ये टू ए इंटू, और फिर ये प्लस ही है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस बी, बिकॉज ऑफ दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है। अब बी के साथ कोई भी साइन हो सकता है, तो देखो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाता है टू ए बी। ये इस आइडेंटिटी को याद करने का तरीका है, आपके पास प्लस की आइडेंटिटी है तो प्लस की, माइनस की है तो माइनस की। सुनना स्टूडेंट, एक बार और बता रहा हूं मैं आपको, जो भी साइन होगा, सपोज करो अब इसको भूल जाओ, अब मैंने ये तो समझाने के लिए बताया था तुम्हें, मैं अभी इसमें ना माइनस लगा देता हूं, सुनना, माइनस लगा दिया, प्लस वाली एंटी याद है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है भाई, बी के आगे क्या है, माइनस, माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं माइनस बी इंटू माइनस बी करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्लस टू ए, ए तो ये रहा और बी के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस बारह आ जाता है, इसलिए आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। समझ में आ गया, माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं बच्चों। ये कहोगे भैया इसमें क्या डिफरेंस है, अब सुनना, मैं इसके अंदर कितना ये नॉलेज किस लिए जरूरी थी, अब सुनना, कई बार आइडेंटिटी आपने सुनी होगी, आइडेंटिटी आपके पास आ जाती है, थर्ड आइडेंटिटी में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसको माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बोलोगे भैया ये आइडेंटिटी तो आज तक हमने याद ही नहीं की, ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी को कैसे याद करोगे आप, ये आइडेंटिटी का ही सारा मोटिव है कि इसको कैसे यूज करोगे आप। सुनना देखना, मेरे पास प्लस की आइडेंटिटी है, मैं उसी को ही इसमें आगे अप्लाई करूंगा, बट अब देखना कैसे करूंगा, माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दूं मैं यहां पर, माइनस बी ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा प्लस टू इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी। बच्चों क्या आ गया आपके पास, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, माइनस माइनस कट जाएगा तो आइडेंटिटी आ जाएगी हमारे पास ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी,
ये वाली और ये वाली चीज सेम है। आप बोलोगे कैसे सेम है, देखो मैं प्रूफ कर देता हूं। इस दोनों ब्रैकेट में से मैं माइनस बाहर ले लूं, माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और एक बात बताओ, इसमें ऑलरेडी स्क्वायर था तो इसका भी तो, इस माइनस वन का भी तो स्क्वायर होगा, और ये माइनस वन का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो ऑटोमेटिक आइडेंटिटी क्या बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। समझ में आ गई बात। अच्छा अब बात करते हैं, अब क्लियर हो गया ना भाई क्या है। अब मान लो यहाँ पर प्लस आ जाए तो अभी आप तब भी बता दोगे, याद तो नहीं कर रहे ना भाई। अब याद तो एक करी हमने, और अगर अब यहाँ प्लस आ जाए, सपोज करो यहाँ पर क्या जाता है प्लस आ जाता है, तो अब इसमें याद करने की नीड है नहीं है, क्या करोगे। देखो अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव हो जाएगा, ये बी तो पॉजिटिव है ना, और ये आगे ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गई बात। या फिर मैं इसको कह सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मेरी थी दो आइडेंटिटी, आपको याद होगी होंगी, बड़े अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब मैं इसको कर रहा हूं रब, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, यहां पर क्या आएगा अपना, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज करो मैं एक आइडेंटिटी और लिखता हूं, एक आइडेंटिटी होती है मान लो ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक आइडेंटिटी और याद करनी है, ठीक है, वो आइडेंटिटी क्या याद करनी है सुनना। इसमें एक आइडेंटिटी आपने ये सुनी होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए और यहां पर आ जाएगा आपका 4ab। एक आइडेंटिटी आपके पास ये होती है। अब सुनना, देखो इसके अंदर क्या है, सॉरी यहां प्लस आएगा, ये कैसे आई सुनना, ठीक है। ये आइडेंटिटी काफी मतलब कंपटीशन एग्जाम में यूज होती है। कैसे, मैं इसको होल स्क्वायर ओपन करता हूं, ए पहले इसका कर लेता हूं, मैं इसका करता हूं, ठीक, मैं इसको कर सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस फोर ए बी, ठीक है। समझ में आ गई बात, मैंने इसको होल स्क्वायर ओपन कर लिया। अब बात करता हूं मैं भाई, ये है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं ये भी लिख सकता हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। ये आइडेंटिटीज पूरी एंड तक है, बड़ा मस्त तरीके से समझना। अब मैं इसको लिख सकता हूं, इस वाली चीज को मैंने ये लिखा, इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बड़ा साइन ये है तो 4ab में से 2ab गया तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2ab। देखो यही आइडेंटिटी तो है ये वाली, तो इट मींस ये वाली चीज को हम ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज को ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, मैंने प्रूफ कर दिया। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ऑटोमेटिकली। बात क्लियर होगी, ये आइडेंटिटी क्लियर है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलता हूं मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इसको इंटरचेंज कर देता हूं, सपोज करो अब मैं यहां पर लिखता हूं फिफ्थ आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं यहां पर लिख दूंगा ए स्क्वायर, इंटरचेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आप जब इसको ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली यही चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये वाली चीज आ जाएगी। आप अगर इसको क्या करोगे ओपन करोगे तो कैसे करके देख लो, देखो क्या करूंगा मैं इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी, जब माइनस करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये वाली आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। तो हम इस चीज को ये भी लिख सकते हैं और इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी फिफ्थ आइडेंटिटी, इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, काफी बार बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जब तक, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ आइडेंटिटी, सिक्स्थ में क्या है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इसकी आइडेंटिटी, ए माइनस बी, ठीक है, और क्या होगी, ए प्लस बी, ठीक है, ए क्या कहते हैं इसको, मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, ए माइनस बी ए प्लस बी। आप बोले होगे कि कैसे, आप जब इसको इनटू करोगे ना, इनटू करके देख लेना, ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा और कट जाएगा। कहोगे कैसे, मैं करके दिखा देता हूं आपको बच्चों, इसको करूंगा, इसको इससे इनटू करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, इसको इससे करूंगा तो प्लस का ए बी आ जाएगा, ठीक है, इसको इससे करूंगा तो माइनस का बी ए आ जाएगा, और इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली कट गया, तो यही आ गई ना, डन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेवन आइडेंटिटी जो हमारी कहती है वो क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद माइनस पे चलेंगे। सुनना बड़े अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है डन। अब बात करते हैं माइनस की, पर कैसे स्टडी करेंगे हम। सुनना, अगर मैं यहां पर माइनस ले लेता, एट आइडेंटिटी मेरी क्या कहती है, माइनस वाली। अब देख लो, जिसने पहली वाली आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी ना, वो आराम से इस आइडेंटिटी को अच्छे से समझ सकता है। कैसे, सुनना, मैं यहां लिख सकता हूं ए क्यूब। अब माइनस बी के आगे है तो मुझे बताओ, अगर मैं तीन बार बी को इंटू करता हूं, तीन बार इंटू करता हूं तो क्या आ जाएगा, एक तो कट जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, तो मैंने एक माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी क्यू। समझ आगे बात, आगे बढ़े। अब बात करते हैं प्लस का थ्री, प्लस का सॉरी प्लस कर दिया मैंने, अब मैं प्लस कर रहा हूं तो अब क्या आएगा, अब सुनना अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगाकर कि प्लस कर दिया, अब मेरे पास यहां पर क्या आएगा, थ्री ए स्क्वायर और बी माइनस का है तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बी। अब बात करते हैं प्लस थ्री ए है मेरा, ए पॉजिटिव है और बी माइनस का, तो माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये सेम टू सेम याद रहेगा, माइनस और प्लस में ये वाला डिफरेंस है। समझा की बात, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और भी क्या कर सकते हो आप, अगर सपोज करो आगे कहते हैं, अगर आपको ये आइडेंटिटी, हाँ इसके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन लेके दिखाते हैं कुछ आइडेंटिटी, कुछ टीचर ऐसे लिखते हैं इस आइडेंटिटी को, यूज करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर मैं इस वाली ब्रैकेट में से देखो, थ्री ए, थ्री ए बी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है। अगर मैं ये कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, खाली यहां बचेगा आपका ए। भाई कैसे, यहां पर एक ए है, एक एक ए रहा, तो ए बच जाएगा और बी तो बी से कट जाएगा और थ्री थ्री से कट जाएगा, माइनस प्लस का साइन था, माइनस बाहर ले तो माइनस बाहर आ गया, थ्री ए बी बाहर ले तो क्या बच गया, यहां पर बी बच गया। एक आइडेंटिटी ऐसे भी टीचर इसको याद करवाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके एट वाले क्वेश्चन पर है, ठीक, ये बात क्लियर होगी, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है, और प्लस थ्री ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, इसमें से मैंने क्या किया, बाहर ले लिया थ्री ए बी, ठीक। उसके बाद थ्री ए बी में मैंने बाहर ले लिया, माइनस थ्री ए बी बाहर लिया था और यहां पर क्या आ गया, ए माइनस बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं इसकी नाइन्थ आइडेंटिटी पे, वो क्या है, सुनना बिल्कुल ध्यान लगाकर, ठीक है, क्या है नाइन्थ आइडेंटिटी, अब करते क्या है, इसके अंदर मैं लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। कई बार तो ये आइडेंटिटी ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसका ही एक मॉडिफाई आप बोलोगे, हमने तो इस तरीके से याद नहीं की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐसे याद नहीं की तो ऐसे याद की होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं इसमें से सारा में से टू बाहर ले लेता हूं तो यहां क्या बच गया जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, बात क्लियर होगी डन। अगर अगर इसी में मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं बच्चों, अगर मैं यहां पर लगा देता माइनस, सपोज करो यहां माइनस लगा देता तो यहां पर तो ये क्या है, माइनस सी का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आ जाएगा, सी कहां पर है देखो, सी यहां है तो माइनस बाहर यहां आ जाएगा, एक माइनस यहां आ जाएगा बाहर, और अगर सी यहां है तो यहां भी माइनस का बाहर आ जाएगा, बात समझ में आ गई। अगर मैं बी को माइनस करूं तो बच्चों, बी को माइनस करता हूं तो क्या करोगे आप, बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर रहेगा, कोई चेंज नहीं आना, ठीक है, तो बी बी कहां है, बी देख लो यहां आएगा तो यहां माइनस लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब बी माइनस और सी माइनस दोनों, तो देखना अच्छे से, बी सी, बी सी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे, और यहां पर क्या है, सी ए, तो यहां पर एक माइनस रहेगा, तो आइडेंटिटी एक ये वाली बन जाएगी, बात समझ में आ गई, सारी आइडेंटिटी मॉडिफिकेशन पता लग गया कैसे कैसे मॉडिफाई किया गया है आइडेंटिटी को, ठीक है। बच्चों याद करने के तरीके भी बहुत है, इसको मैं स्क्रीन शॉट ले लू, इसको फिर मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी नंबर हमारी कौन सी होगी, अब होगी हमारी देखो 11 शायद है ना, ए प्लस बी क्यूब कर लेते हैं, इसका ए होल टोटल का तो क्यूब हो चुका है ना, अब इसका क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनना कोई दिक्कत नहीं है, 11 शायद 12 होगी होगी, ठीक है, आइडेंटिटी याद करने का मोटिव हमारा, सुनना ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा हमारा, ए क्यूब 10 ही होगी, अब तो सही है, ठीक है। ए क्यूब क्या होगा हमारा, ए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए
प्लस बी, ठीक है, और फिर मैं करूंगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी ये होगी। कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या करूंगा, ए प्लस बी बार और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना है टू नहीं आएगा। अगर मैं इसी एक आइडेंटिटी में एक और याद करवाऊं आपको, तो आप याद करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या करोगे आप इसमें, यहां पर आ जाएगा आपका ए माइनस बी, ध्यान रखना अगर यहां माइनस है तो यहां, यहां प्लस है तो यहां प्लस, ठीक। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर, और ये कैपिटल में ही भाई ध्यान रखना, ए ए बी प्लस बी स्क्वायर, डन। ए क्यूब माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, क्या कहते हैं, ब्रैकेट हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, और इस तरीके से आपको आइडेंटिटी याद हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी इस पार्ट में तो इतना ही, आगे बढ़े, चलो एक दो आइडेंटिटी और है, मैं इसको कर देता हूं आपको, ठीक है। फिर हम भी चलते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी हमारी ट्वेल्थ वाली, ठीक है। अब सुनना, पहले तो मुझे बताया था क्लियर, ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी हो जाएगी, मॉडिफाई पता लगे कैसे कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं चीजों को। अगर मॉडिफाई करने की चीज मैं बताता हूं आपको, ठीक है, मॉडिफाई का मतलब क्या है कि आप कैसे कैसे उसको प्लस कर रहे हो, कैसे कैसे माइनस कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद अब आइडेंटिटी जो बचेंगी अब हमारी, अब कुछ आइडेंटिटी ऐसी होंगी जो हमारे एग्जाम में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आ जाती है, जैसे एनटीपीसी वगैरह एग्जाम है इसके अंदर। तो अब इस तरीके की आइडेंटिटी अब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ठीक है। इस तरह की आइडेंटिटी को मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। इसके बाद मैं इसमें लिखूंगा, अरे ये सारे कैपिटल में ही है यार, कभी मैं स्मॉल में लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा ए बी, फिर आ जाएगा बी सी, फिर आ जाएगा सी ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी, बात क्लियर होगी। अब इससे आगे अगर मैं बात करूं, देखो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, तो आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। कई बार क्वेश्चन बने हैं सीधे सीधे इस पर, अगर इस चीज को जीरो कर दूं, इस तरीके का कोई इस तरीके का कोई आगे कहते हैं नोटिफिकेशन आया था, जैसे मान लो ए प्लस बी सी और ये इक्वल होंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ये इक्वल हो जाते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये जीरो हो जाता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कई बार, ए बी की वैल्यू दे दी जाती है और फिर ये माइनस का तो उधर चला जाता है, ये खाली ये दे दी जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी बने हैं, और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं शायद, ठीक है, मैं बता देता हूं, या फिर एक काम करते हैं, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाई टू, ठीक है, वन बाई टू और ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इस आइडेंटिटी को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगा लेना पेपर में, इसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों ये क्लास थी इतनी ही, ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो के लिए एंड तक बने रहे, और बताया तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी किस किस तरीके की मैं वीडियो लाने वाला हूं, सुनना, क्यूब रूट कैसे निकालते, क्यूब रूट के तीन मेथड बताऊंगा, पहला बिल्कुल बेसिक जो ओल्ड क्लासेस के लिए चलेगा, दूसरा जिसमें ट्रिक, जैसे बड़ी क्लासेस है क्यूब रूट निकालने का आता नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट कंपटीशन एग्जाम के लिए जो बिल्कुल देखते ही आप ट्रिकी वे में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।